इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि आप अपना बिजली बिल के अंदर अगर नाम को चेंज करना चाहते हो या फिर से लोड को चेंज करना चाहते हो तो ऑनलाइन कैसे आपको रिक्वेस्ट देना है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में कहीं भी अगर आपका बिजली बिल है और आप किसी और के नाम से ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो के अंदर लाइव प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट बिल जब भी आएगा उसमें आपका करेक्ट नाम वहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले करना क्या है, BSES डालेंगे। इसके बाद से आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। सिंपली कनेक्शन सर्विस का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। आपको अपना यहाँ पे CA नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे बोलेगा चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन। तो सिंपली चार चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नेम चेंज है, लोड चेंज है, कैटेगरी चेंज है, एड्रेस चेंज है। तो आप आसानी के साथ कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे नेम चेंज करना है अपने बिजली बिल के अंदर, तो सिंपली नेम चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट आप सब डिवीजन के अंदर मिल सकते हो, वहाँ पे जाकर आप चेंजिंग कर सकते हो, या फिर से आप यहीं से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सिंपली ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से आपको पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा कि कितना आपका लोड हुआ है, पहले वाला जो ओनर का नाम है वो क्या है, यहाँ पे CA नंबर क्या है, BP नंबर जो क्या है, कंज्यूमर इंडिविजुअल है, सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे में स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रहने देना है। इसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद से आपको शॉन ऑफ अपना फादर का नेम डालेंगे, रीजन ऑफ चेंज यानी कि किस रीजन से आप चेंज कर रहे हो अपने बिजली बिल का नाम, बिजली बिल के अंदर नाम। तो सिंपली आपने अभी प्रॉपर्टी को परचेज किया है या फिर से आपने चेंज किया है, टेरेंसी चेंज कर रहे हो, फिर से लीगल हेयर है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज, जैसे परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज है तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपना एक फोटो जो है 100 KB से अप्रॉक्स यहाँ पे अपना फोटो को अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, 50 KB उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ डालना है, यानी कि जो भी आपके प्रॉपर्टी पे एड्रेस होगा वो एड्रेस से आपका आधार कार्ड पे अपडेट होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, इसके बाद अपना आधार नंबर डालोगे, यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑनरशिप प्रूफ यहाँ पे बोल रहा है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तो वहाँ पे सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरशिप प्रूफ में है डीड सेल है यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्री का पेपर है, कन्वेंसी डीड है, अलॉटमेंट लेटर है, या फिर वैलिड लीज एग्रीमेंट अगर है तो आप इसमें से जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास सेल डीड है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका फाइल जो है अपलोड करना है, मैक्सिमम जो है आपका 25 MB तक आपका फाइल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पे कंप्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद से यहाँ पे यस पे रहने देंगे, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा आपका जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट हो चुका है, अभी विल बी कनेक्टेड शॉर्टली। अब दोस्तों अगर बिल जनरेट होने से 15 से 20 दिन पहले आपने इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपका जब भी बिल बन के आएगा उसमें आपका नाम ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ आप अपने बिजली बिल के अंदर अपने नाम को चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।